नमस्ते फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह सुबह मैं पैक कर रही हूँ बच्चे लोगों का टिफ़िन। टिफ़िन में आज मैं दे रही हूँ बस मूंगफली तल के और उसके साथ बिस्किट दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों का चल रहा है एग्जाम, तो कुछ हल्का फुल्का ही अभी दे रही हूँ। ये लोग 10-10:30 बजे तक आ जाते हैं, तो इसके वजह से टिफ़िन पूरा नहीं देती हूँ, जैसे सब्जी पराठा वगैरह ये सब नहीं देती हूँ, बस हल्का फुल्का सही कुछ दे देती हूँ। और हस्बैंड ऑफिस के काम से गए हैं बाहर एक सप्ताह के लिए, तो वो घर में है नहीं, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो इसलिए मैंने टिफिन बनाया और बच्चे लोग को रेडी किया। फिर उसके बाद अभी ड्रेस चेंज करके गई, बस में बिठा के आई हूँ, छोड़ के मतलब आ गई। फिर उसके बाद फिर से मैंने ड्रेस चेंज किया, अपने घर वाले कपड़े पहन लिए, फिर आ गई अपना काम करने। तुम कह चलो बिस्तर ही समेट लेती हूँ, वैसे भी सारा काम मुझे अभी आज निपटाना है, क्योंकि साफ सफाई करना है कमरे का, तो दिवाली भी नज़दीक आ रहा है और वैसे भी मुझे घर भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि घर जाने के पहले ही पूरे घर के अपने साफ सफाई कर लूँ, तो उससे क्या रहेगा कि फुर्सत हो जाऊँगी। वहाँ जाने के बाद मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि घर की साफ सफाई करनी है या घर के कुछ काम बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ सारा काम निपटा कर ही जाऊँगी वहाँ पे। तो आराम से एक सप्ताह तक रहूँगी। अपने ससुराल की बात कर रही हूँ, मुझे जाना है अपने ससुराल नवरात्रि में, अभी तो नहीं, अभी बहुत टाइम है, एक सप्ताह 10 दिन का टाइम है। तो ये ब्लॉग ना बहुत पहले का है, वीडियो मैंने बना के छोड़ रखा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था एडिट करने का, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। सच पूछिए फ्रेंड, तो मेरा मन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वीडियो में ना कोई व्यू नहीं आता है, और इसी कारण से मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। बहुत दिन से मैं गैप कर रखी हूँ, 10-15 दिन से, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का वीडियो को लेके, तो इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था कि अब नहीं बनाना है और ना ही मैं वीडियो डालूंगी। फिर पता नहीं क्यों मेरा आज मन हुआ कि चलो जो पड़ा हुआ है उसको एडिट करके डाल देती हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। मैं बहुत सारे वीडियो तो मैंने डिलीट भी कर दिया, मन ही नहीं हो रहा था, तो इसके वजह से हस्बैंड बोले कि अरे छोड़ो, क्यों परेशान रहती हो, तुम अपने स्वास्थ्य को देखो, वीडियो के चक्कर में दिन भर पड़ी रहती हो, तो गुस्सा भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो मेरा मन और ज़्यादा उदास हो जाता है। हम कहे छोड़ो, फिर जब इतना बोल ही रहे हैं तो नहीं डालूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मेरा मन करता है, मुझे खुशी मिलती है ये सब करके। तो आज मेरा मन हुआ कि फिर से चलो मैं फिर से शुरू कर देती हूँ अपना ये काम। सच पूछिए फ्रेंड ना, तो 10 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ ना, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं अपने आप से ही सवाल करती थी, मेरे दिमाग में खुद अपने आप से ही एक सवाल आता था कि मैंने छोड़ा क्यों और क्यों वीडियो बनाना बंद कर दी मुझे, जबकि इस काम में मुझे अच्छा लगता था, एक अलग सा सुकून मिलता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, व्यू कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो सब तो देखिए फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे जो मेरा काम है वो मैं करना चाहती हूँ, इसकी वजह से फिर से मैंने सोचा चलो फिर से बनाती हूँ। तो कल का ये जो कचरा है ना, ये बेडरूम का है, बेडरूम का मैंने पूरा सफाई कर दिया, मैंने अभी बोला ना कि मैंने बहुत सारे वीडियो डिलीट कर चुकी हूँ, तो उसी का है, ये बेडरूम का पूरा सफाई की थी, उसका वीडियो मैंने बनाया था पर मैंने उसको डिलीट कर दिया, और ये बाकी आज का जो सफाई करूँगी दूसरे वाले कमरे का, तो वो वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो वो सारा कचरा ना मैं आज फेंकूँगी, क्योंकि जितना सारा कचरा निकला है सब बाहर ही रखी थी एक प्लास्टिक में भर के, तो आज फेंक दूँगी, बाकी के सफाई दूसरे कमरे का शुरू करूँगी आज। तो एक एक कमरे का एक एक दिन मैं सफाई कर रही हूँ, और अभी तो मैं अपने लिए नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, नाश्ता कर लूँगी, फिर उसके बाद काम में लगूँगी, क्योंकि एक बार जब काम में लग जाओ ना तो तब इतना डस्ट उड़ जाता है और उड़ के मतलब मन नहीं करता है फिर कुछ खाने पीने का, तो इसके वजह से मैं सोची चलो चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही सफाई में लगूँगी। तो अभी सुबह का ही टाइम है और हस्बैंड ऑफिस के काम से बाहर गए ही हैं, मैंने पहले भी बताया को, तो वो अभी घर में है नहीं, तो अभी मैं अपने लिए चाय नाश्ता बनाऊंगी, फिर उसके बाद खाना अभी मेरा बनाना बाकी है, तो अभी मैंने मूंगफली तला, फिर उसके बाद एक कप चाय बनाऊंगी, तो सुबह सुबह का ये मेरा चाय नाश्ता हो जाएगा, और बच्चे लोग जब तक स्कूल से आएंगे तब तक मेरी साफ़ सफाई भी हो जाएगी और खाना भी बना लूँगी। देखती हूँ अभी क्या बनाना है, अभी तो मैंने सोचा भी नहीं है कि क्या बनाऊँगी खाने में। बच्चे लोगों को सुबह 5:30 बजे जब छोड़ के आई हूँ ना बस में बिठाने के बाद, तब से मैं सोई ही नहीं आज, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। हमके चलो अपने काम में ही सुबह लग जाती हूँ तो टाइम से मैं फ्री हो जाऊंगी, नहीं तो फिर पूरा दिन लग जाता है काम में ही, और वैसे भी साफ सफाई में जब लगो ना काम में, तो दिवाली वाली सफाई हो रही, तो आप समझ ही सकते हो कि पूरा कमरा मैं मुझे
खाली करना है, इधर उधर सारा सामान सेट करना है, मतलब सब कुछ खाली करने के बाद एक दूसरे कमरे में रखूँगी या इसी कमरे में रखूँगी, लेकिन सब कुछ एक लाइन से झाड़ झूड़ के साफ़ करना है। और मैं छत पे से ना अभी कार्टून लेके आई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टून ही बोलते हैं, तो मेरा ये सामान आया हुआ था कलकत्ता से, हम आए थे तभी का है ये, तो कार्टून मेरे पास पड़ा हुआ था तो हमने छत पे रख दिया था इसको, तो दो ठो उठा लाए क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बोरी में बुक रखे हैं, तो चूहा पूरा काट दिया है जब से इस कमरे में आए हैं घर में, तब से ऐसे ही रखा हुआ, तो चूहा पूरा एकदम ख़राब कर दिया है काट के। तो मैं सोच रही हूँ कि बोरी से खाली करके इसमें कार्टून में ही पूरा भर के रख देती हूँ, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और बोरी भी फेंक दूंगी क्योंकि बहुत पुराना हो गया, और थोड़ा हल्का हल्का सा ना स्मेल भी करता है क्योंकि चूहे बहुत सारे लेडी कर रखे हैं उसके अलमारी के पीछे, बहुत गंदा कर रखे हैं, तो सारा मुझे क्लीन करना है। और अलमारी के साइड में देखेंगे ना पूरा एक लाइन से मैंने ड्रम रखा है, ड्रम का मतलब छोटे छोटे डब्बे हैं, उसमें चावल गेहूँ भरती हूँ, गाँव से लेकर आती हूँ वही सब भरा रहता है। तो उन सारी चीज़ों को घिसका के साफ करना, झाड़ू पोछा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन करूँगी आज पूरा काम क्योंकि हस्बैंड है नहीं, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि सब निपटा लेती हूँ, नहीं तो ये रहते हैं ना तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि पूरे दिन बस साफ़ सफाई इधर उधर का फालतू का काम करती हूँ और शाम होते ही बोलने लगोगी कि मैं थक गई हूँ काम कर करके, तो इसके वजह से गुस्सा करते हैं, कहते हैं अपने ऊपर ध्यान दिया करो, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखो, अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी काम तो बाद में होता रहेगा। तो फिर मैंने पूरे कमरे का साफ सफाई किया, अभी थोड़ा बहुत बाकी भी है, तो मैं चलो पहले खाना बना लेती हूँ, नहीं तो बच्चे लोग आ जाएंगे, बहुत लेट भी हो जाएगा क्योंकि वो लोग खाना लेकर गए नहीं हैं टिफिन में, और भूख भी लग जाएगी, तो मैंने सोचा चलो सफाई तो होता रहेगा, पहले सब्जी ही बना लेती हूँ, चावल तो मैंने बना लिया है, चाय नाश्ता करने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिया इंडक्शन पे, तो हो गया है, फिर अब सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही थोड़े बहुत जो सफाई करना बाकी है वो सब मैं करूँगी। तो दो कार्टून में मैंने पूरा बुक भर दिया, एक साइड में रख भी दिया है, फिर उसके बाद अभी मैं आ गई सब्जी बनाने, तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आज आलू और न्यूट्रेला की सब्जी। तो मैंने डाला सरसों का तेल, जीरा, हींग, फिर उसके बाद कटा हुआ प्याज, कुछ सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, ये सारी सब्जियों को डाल के मैंने भून लिया अच्छे से, और हाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाला। खूब अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भुना है, फिर उसके बाद टमाटर डाली, टमाटर को भी मैंने गला लिया, फिर उसके बाद क्या किया, आलू जो उबाल के मैंने रखा था उसको भून लिया, न्यूट्रेला भी साथ में भून ली। कई बार क्या होता है कि मैं तल के ना पहले से रखी रहती हूँ और कई बार इसी में भून लेती हूँ, तो अभी टाइम कम था तो इसके वजह से मैंने सोचा चलो साथ में सारा भून भान के बना लेती हूँ, जल्दबाजी में ऐसे ही कर लेती हूँ। और सब्जी में छौंक लगा के फिर से मैं आ गई, अब बन रहा है, उसमें इंडक्शन पर चढ़ा दी, अपना बनता रहेगा, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए पूरा इधर साइड में जो बाल्टी था ना इसको पोछ पाछ के इधर अलमारी की तरफ रख दी, और ड्रम हटा के पूरा झाड़ू पोछा की हूँ, बहुत गंदा कर रखे थे चूहे, तो देख लीजिए आप खुद ही समझ जाएंगे देख करके कि कितना कचरा निकला है एक कमरे से, तो इतना सारा कचरा निकला मेरे कमरे से, पूरा सफाई करने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत थक गई मैं, जितना साफ़ सुथरा करने में नहीं थकी उससे ज़्यादा वो ड्रम को हटाना, फिर से सही जगह पर उस पर लगाना, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि सारे डब्बों में ना गेहूँ चावल भरा हुआ है, तो वो मेरे से घिसक नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने किया। और बच्चे लोग रहते भी तो वो मेरी मदद करते नहीं क्योंकि अभी वो लोग इतने छोटे हैं कि इन सब कामों में मेरा हाथ चाहकर भी नहीं बटा सकते। बच्चे लोग स्कूल से आ गए हैं तो अभी खा लेते हैं खाना, काम करते करते कब शाम हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, एकदम थक जा रही हूँ मैं, आज भी शाम हो गया, मुझे नहाने में नहाई हूँ 4:30 बजे के लगभग, अभी 5 बज रहे हैं, मुझे आधा घंटा हुआ है अभी नहाए हुए, नहा के थोड़ी देर बैठी हुई थी, फिर मैं कही चलो थोड़ा आराम कर लूँ फिर उसके बाद काम में लगूँगी, काम ढूंढने लगो तो कितना निकल जाता है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं लगता है, कितना साफ़ सुथरा घर है। आज मैं की हूँ उधर के कमरे का साफ सफाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इतना गंदा हो गया था ना कि पूछे मत, अलमारी के पीछे कभी साफ ही नहीं होता था, तो आज मैं सारा डब्बा उब्बा हटा के पूरा साफ की हूँ, बहुत टाइम लग गया और बहुत थक भी गई, सारे चावल सारे डब्बों में ना चावल गेहूं भरे हुए हैं, तो उसको हटाने में मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था, और इनका बुक है बच्चे लोग का बुक सारा भरी हूँ कार्टून में, कार्टून तो अपना ही है, छत पे रख दिए थे हस्बैंड, किचन के टाट पे रखवाई थी तो वो छत पे रख दिए, तो वही आज 2-3 ठो लाई हूँ, ले आई फिर उसी में बना के उसको टेप उप चिपका के ठीक कर दी, फिर फिर उसमें भरी हूँ सारा, और
काम तो देखिए रहता ही है घर में, लेकिन जिस दिन अपना घर साफ कर लो ना उस दिन बड़ा सुकून मिलता है। थकान तो जरूर हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है उसमें, लेकिन अच्छा भी लगता है ना, बड़ा सुकून सा मिलता है। तो मेरा बेडरूम कल मैंने साफ किया, बेडरूम की सफाई हो गई कल ही, और बगल वाले कमरे का कर दी, दो कमरे से तो फुर्सत हो गई। अभी ये बीच वाले कमरे का करना है, आगे के कमरे का करना है, किचन करना है। किचन तो बाप रे उसका तो मेन है, उसी में पूरा दिन लग जाएगा, बहुत टाइम लगता है और काम करते करते थक गई मैं। मेरा कमर भी थोड़ा सा दुखता है ना, तो और रात में तो मैं मूव लगाई तब जाके मुझे नींद आई, पैर में और कमर में लगाई मूव तब जाके मैं सोई। रात को 1:30 बजे ले नींद लगा, बच्चे लोग तो सो गए जल्दी, मैं ही थोड़ा लेट सोई, कपड़े भी सूख गए हैं, तो उनके चलो तह भी लगा देती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। और अब जा रही हूँ चाय बनाऊंगी तो पीऊंगी, और बच्चे लोगों को दूध गर्म कर, ये गीला है, बच्चे लोगों को दूध गर्म करके दूंगी पीने के लिए। मुझे खुले बालों में ना पता नहीं क्यों उलझन होता, मैं शैम्पू की वो भी सूखा भी नहीं है, वो तेल इतना ज्यादा लगा दी थी ना कि शैम्पू करने के बाद भी एकदम ऑयली सा है सिर में, बाल मेरा अच्छे से साफ ही नहीं हुआ। अब दूसरे दिन करूँगी शैम्पू, अब नहीं करूँगी, साफ हो गया मतलब, और थोड़ा सा अच्छी चिपचिपा सा नहीं लगता, वो उस टाइप का हो गया है। तो अभी खाना मैंने बनाया था आलू न्यूट्रेला की सब्जी पूरी, तो बच्चे लोग से पूछी कि रोटी बनाऊंगी पूरी, तो दोनों बोले कि नहीं पूरी, और ऐसे सब्जियों के साथ पूरी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी मेरा भी खाने का मन था तो मैंने पूरी बना लिया। फिर अभी सब्जी बचा हुआ है, तो बाबू सब्जी चावल खाओगे? नहीं मुझे भूख लगी है। तो पूरी फिर खाओगे? क्या खाओगे लोग रात के खाने में, क्या बनाओ? हस्बैंड नहीं रहते हैं ना तो बड़ा सोचना पड़ता है मुझे खाने के लिए, वो रहते हैं तो बता देते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, फोन में भी बता देते हैं कई बार, या तो घर आते हैं तो बताते हैं, तो उनके हिसाब से बनता है। और दिन में भी पूरा प्रॉपर खाना बनता है, चावल दाल सब्जी रोटी। अभी तो परी चावल खाती नहीं है, और फिर बाबू खाता है, मैं खाती हूँ, तो लगता है कि अब छोड़ो दो लोग के लिए क्या बनाओ, आधे लोग चावल आधे लोग रोटी, तो रोटी ही बना लेती हूँ। तीन लोग बस मैं, हम लोग रहते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा आलस भी आता है खाना बनाने में, मैं सोचती हूँ कि कम में ही काम चला लें। अभी सिर्फ कंघी की हूँ, बिंदी लगाई हूँ और कुछ भी नहीं की हूँ, अभी सिंदूर भी पहनना है, बाल सूख जाए तो पहनूंगी और लगाऊ करूँगी। बड़ा थकान लग जा रहा है मुझे ना, साफ सफाई करना इसलिए जरूरी हो गया था कि मुझे जाना है घर अपने ससुराल, तो वहाँ से आने में ना बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे टाइम बचेगा नहीं, नवरात्रि भर तो उधर ही रहेंगे, तो टाइम मेरे पास रहेगा नहीं कि मैं साफ सुथरा करूँ। फिर पूजा उजा की खरीदारी, अपन करवा चौथ की तैयारी होने लगता है मतलब, तो उसकी खरीदारी, तो टाइम कहाँ रहेगा। आऊँगी तो कम से कम सुकून रहेगा ना कि घर साफ सुथरा, नहीं तो वहाँ पर भी मन नहीं लगेगा कि अरे मेरा घर गंदा पड़ा है, साफ चल के साफ करना है। कम से कम फुर्सत रहूँगी ना इस काम से, इसके वजह से। और ये चादर इतना गंदा हो गया था ना कि मैं गर्म पानी में इसको धोई, देखिए कितना साफ हो गया अच्छे से। और डबल बेड का इस पर था जो चादर कल का निकाली हूँ ना, वो मशीन में ही डाली हूँ, अभी कल उसको धोऊंगी। बच्चे लोग का यूनिफॉर्म और जो मैं नहा के छोड़ी हूँ कपड़ा, सारा बाल्टी में भिगो रखी हूँ, अब कल धोऊंगी, क्योंकि मेरे कमर में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो सब डब्बा वब्बा हटाने में ना बहुत जोर लग रहा था, हस्बैंड रहते तो फटफट से हटा देते। और लोहे की अलमारी जो उस कमरे में रखा हुआ है ना, उसके ऊपर कार्टून सब हस्बैंड फालतू का कार्टून सब भर रखे थे, उनको पता नहीं फालतू की चीज़ों से कितना लगाव है, तो वो सब मैं उठा के बाहर कर दी। थोड़े बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि कुकर उकर का डब्बा हो गया और ये मिक्सर का ये डब्बा हो गया, तो ये सब काम अब नहीं बनाऊंगी मैगी, इतना सारा खुद ही खाना हो गया है, अब मैगी क्या बनाऊंगी। आरुष बैठो, बेड पर बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। तुम कार्टून देखते हो कि नहीं? नहीं। देख लो।
तो मैं आप लोगों को अपना रूम भी दिखा देती हूँ कि साफ करने के बाद ये कैसा लग रहा है। हम इसको ना स्टोर रूम की तरह ही यूज करते हैं, क्योंकि बेडरूम दो दिया है पर ये स्टोर रूम की तरह हम यूज कर लेते हैं इसको, क्योंकि स्टोर रूम दिया नहीं है, गैराज है तो उसमें साइकिल वगैरह खड़ी होती है। तो साफ करने के बाद कैसा लग रहा है मेरा रूम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।